नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम आपको एंजियोस्पर्म TI 2.5 से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में देंगे और हम आपको बताएंगे कि एंजियोस्पर्म TI 2.5, 2.6 या 6.5 का उपयोग किस पेशेंट में किया जाता है, पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और पेशेंट एंजियोस्पर्म TI का यूज करने से उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसके एडवांटेज क्या हैं। तो दोस्तों, अगर अभी आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और अपना प्यार देना ना भूलें। दोस्तों, एंजियोस्पर्म TI में TI जो है 2.5 में आपका नाइट्रो ग्लिसरीन मिला के ये दवा बनाई जाती है। दोस्तों, इसमें नाइट्रो ग्लिसरीन मिला के ये दवा का निर्माण किया जाता है, दवा बनाई जाती है। इसमें लिखा है टाइम्ड रिलीज कैप्सूल ऑफ नाइट्रो ग्लिसरीन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी कार्डियोलॉजिस्ट इस दवा का आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो इसकी दो टाइमिंग आपको देंगे। जैसे अगर आप सुबह इसको 8 बजे यूज कर रहे हैं, अगर मॉर्निंग में आप इसको 8 बजे यूज करते हैं, तो शाम को आप इसको 6 से 8 बजे के बीच में ले लीजिए। इसलिए इसको बोलते हैं टाइम रिलीज कैप्सूल फॉर नाइट्रोग्लिसरीन। मतलब इसको 8 घंटे के भीतर में 2 टैबलेट सुबह शाम आपको यूज करना है। तो इसके इंडिकेशंस पे आते हैं, तो जो आपका एंजियोस्पर्म TI 2.5, 2.6 या 6.5 है, वो आपको पहला सिम्टम्स जो है एंजाइना के लिए यूज किया जाता है। एंजाइना क्या होता है कि एंजाइना में आपका जो है चेस्ट पेन करता है। और दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि इसका जो दूसरा इंडिकेशन है वो हार्ट फेल्योर के केस में दिया जाता है। हार्ट की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हार्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वहाँ के लिए भी जो है वो एंजियोस्पर्म TI का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर सजेस्ट करता है। वहाँ पे इस दवा का आप यूज कर सकते हैं और यूज करते भी हैं डॉक्टर के सजेशन पे। दोस्तों, एंजियोस्पर्म TI 2.5 के लाभ के ऊपर आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को जो भी कार्डियक के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ पे उनको कार्डियक से जुड़ी बीमारी से उनको रिलीफ देता है, एंजाइना के सिम्टम्स को भी रिलीफ देता है और आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी स्लो डाउन करता है। तो एंजियोस्पर्म TI जो है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है, वो कार्डियक पेशेंट के लिए सेफ मेडिकेशन है और डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी करता है। दोस्तों, ये USB प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बना के मार्केट में बनाई गई दवा है, जो कि मार्केट में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे इजीली अवेलेबल है। दोस्तों, इस दवा के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे आप इसको यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और ये सारी चीज़ें इसके साथ में देखी जा सकती हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म तक नहीं होती हैं। अगर आप इस दवा का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो इस दवा का जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं कि जैसे कुछ महिलाएं जो होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं या प्रेगनेंसी के उसमें भी कभी कभी कार्डियक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वहाँ के लिए भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के सजेशन पे ही इसको यूज करें, क्योंकि वो आप उनके प्रिस्क्रिप्शन पे या उनके सजेशन पे ही इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो एल्कोहलिक होते हैं, दारू का सेवन करते हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर के सजेशन पे इस दवा का उपयोग करें, क्योंकि इन द केस आप अगर आप ड्रिंक किए हैं तो थोड़ा सा इसको लेने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो आप डॉक्टर के सजेशन पे ही इस दवा का उपयोग करें। दोस्तों, इसके डोजिंग के ऊपर आते हैं, तो इसकी डोजिंग जो है वो आपके डॉक्टर के सजेशन के ऊपर OD, BD हो सकती है। आपको दिन में एक बार भी लेना पड़ सकता है, 2 बार भी लेना पड़ सकता है, जैसे आपके
कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ी या घटी हो सकती है, उस हिसाब से इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना प्यार देना ना भूलें, और चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाएगा तो इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। दोस्तों अगर कोई भी इस दवा का उपयोग करने से अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स लगते हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं इस दवा का यूज करने पे, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के सजेशन को, डॉक्टर को और कार्डियोलॉजिस्ट को, जिसको भी आप इस दवा का ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, वहाँ पे जाके उनसे कंसल्ट कर लें, अपनी प्रॉब्लम उनको शेयर करें, और जैसा डॉक्टर आपको बोलता है आप उस हिसाब से ये उसका उपयोग करें। दोस्तों ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसको नियर बाई मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, और नहीं मिल रहा है तो आसपास में भी इसके बहुत सब्स्टिट्यूट है। जैसे इसका इंटास में आता है, मोनिट्रिटिन करके आता है, यूएसबी का एंजिसमैन टीआर है, तो ये सारी दवाइयाँ आपको मार्केट में मिल सकती है, वो भी सेम कॉम्बिनेशन में इस दवा को मिलता है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।